नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको चाल समय दूरी में जब व्यक्ति समय से पहले या देरी पर आधारित प्रश्न जस्ट इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ाया था दोस्तों, तो उसके बाद देखिए इसी पार्ट का कुछ टाइप्स के क्वेश्चन इस पार्ट में आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों। अगर ये पार्ट देखेंगे तो ये वाला टाइप के सारे क्वेश्चन का आपके कम्प्लीट होते हैं दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, शिला अपनी समान गति के 17/18 गति से चलकर एक निश्चित दूरी समान गति से 5 मिनट अधिक में तय कर पाती है। वह निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लगने वाला समान समय की गणना कीजिए। ये चार ऑप्शन रखा गया दोस्तों और ये सवाल पूछा गया आरपीएफ एसआई 2019 में। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको तीन तीन तरीके बताए, जो बेस्ट तरीका लगता है उसी तरीके से आप सवाल को लगा लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए आपको मेथड 1 बताते हैं। पहला वाला तरीका क्या था दोस्तों, B1 T1 = B2 T2, ये पहला तरीका था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, उसकी वास्तविक चाल तो हमको पता नहीं, तो मान लीजिए B था, टाइम क्या लगता वास्तविक चाल से जाता तो T समय लगता। लेकिन बाद में वास्तविक चाल के 17/18 है, इसका मतलब 17/18 भी अब टाइम कितना ले रहा है दोस्तों, तो 5 मिनट अधिक ले रहा है, इसका मतलब टी लगता था 5 मिनट अधिक, तो प्लस 5 कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बी से बी की कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 18 टी और इक्वल इसका इसके साथ गुणा होगा तो क्या होगा दोस्तों, 17 टी और 17 में 5 का गुणा कर देंगे तो प्लस 85। अब देखिए दोस्तों, ये 17 टी प्लस है इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब टी का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 85 मिनट। इसका मतलब शिला का सही समय क्या था, 85 मिनट था। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो मेथड 2 भी आपको बताएं। तो देखिए दोस्तों, B1 संबंधी अगर हम B2 निकालें तो क्या मिलता है दोस्तों, 18 संबंधी 17 मिलता है। अगर ये वाला पॉइंट आप समझ नहीं पा रहे हैं कैसे 18 संबंधी 17 सर्च कर दिए हैं, तो प्लीज इसके पहले वाला पार्ट आप देखिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से बताएं। तो T1 संबंधी अगर हम T2 करते हैं तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 17 संबंधी 18 मिल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंट एक यूनिट, तो एक यूनिट का मान कितना दिया गया दोस्तों सवाल के अंदर, एक यूनिट का मान दिया गया है 5 मिनट। अब देखिए दोस्तों, अगर हमको सही समय चाहिए तो T1 का मान निकालना है दोस्तों, क्योंकि T सही समय है, तो 17 यूनिट का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 यूनिट का अगर हम मान निकालते हैं तो 85 मिनट। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 85 मिनट। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अगर आप ऐसे मेथड 1 मेथड 2 दोनों तरीका नहीं जानते हैं या नहीं लगा पाते हैं दोस्तों साथी, तो आप मेथड 3 का यूज कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, सही समय बराबर तो ये फार्मूला दोस्तों ध्यान रखना है, सही समय बराबर। अब देखिए, जितना मतलब जो पहली वैल्यू है मतलब बट्टे में 17 बट्टे दोनों का डिफरेंट, इन दोनों का डिफरेंट अंतर लेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1 × टाइम, जो टाइम का डिफरेंट मतलब जो टाइम अधिक या कम लेता है बुढ़े समय, तो 17 × 5 = 85, तो 85 मिनट आपके क्या आ जाएगा दोस्तों, सही समय आ जाएगा। अगर आप मेथड 3 का यूज करना चाहते हैं तो आप मेथड 3 लगा लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए आपको तीन तीन तरीके बताएं, जो आपको बेस्ट तरीका लगता है आप उसी तरीकों को फॉलो करिए। मेरे अनुसार ये दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं दोस्तों, ये फार्मूला आपको थोड़े टाइम के लिए याद रहेगा, फिर बाद में आप भूल जाएंगे, लेकिन ये तरीके आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसी तरीके से आप पूरा चाल समय दूरी के सवाल लगाते हुए आ रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए इस वाले तरीकों को फॉलो करने के लिए, ये बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। तो आशा और उम्मीद करते हैं ये सवाल आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, अपनी समान गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है, गंतव्य तक पहुंचने का उसका सही समय है। ये चार ऑप्शन रखा गया है दोस्तों साथी और ये सवाल पूछा गया SSC CGL TA 2019 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, आपको तीन तीन तरीके बताएं, जो आपको बेस्ट लगता है उसी तरीके से लगाइए। तो B1 T1 = B2 T2, ये तरीका इस तरह के सवालों को लगाने के लिए बेस्ट तरीका है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, B1 का मान तो जो अपनी समान गति के 60% गति से चलते हो, तो उसकी जो समान गति थी, सही गति थी, वो 100% होगी, 100 टाइम मान लीजिए टी लगता होगा। अब चाल को 60% गति से चलते हुए, इसका मतलब आप 100 से 60 कर लिया है, तो 60 तो कितना मिनट दोस्तों, 1 घंटा 40 मिनट क्या हो जा रहा है, देरी से जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, 1 घंटा तो कम्प्लीट पूरा है, अब 40 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो क्या होगा, 40/60 हो जाएगा, 20 दुना 20 3,
अब देखिए जोड़ेंगे तो 1 + 2/3 इतना घंटा, 3 × 2 = 5, 5/3 घंटा आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब है अगर हम 1 घंटे 40 मिनट को चेंज करते हैं घंटे में तो क्या बनेगा दोस्तों, 5/3 घंटा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना मिनट क्या होता है, देरी है तो प्लस सिंबल, तो टी प्लस 5/3, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों अगर हम 20 से काटते हैं तो 20 × 3 = 20, 20 × 5। अब देखिए दोस्तों कटेगा नहीं, गुणा कराएंगे तो 5t और इधर क्या जाएगा दोस्तों, 3t। अब देखिए दोस्तों जो है इसके साथ ये गुणा करेगा, इसका मतलब है देखिए यहाँ पे बता देते हैं दोस्तों, 3 × 5/3 तो 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्तों, 5 × 3 तो गुणा 3 से 3 कट गया, बचेगा 5, तो प्लस 5 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 5t है, ये 3t है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5t में से 3t घटा देंगे तो बचेगा क्या, 2t, तो 2t = 5, तो t का मान निकालेंगे क्या मिल जाएगा, 5/2 भाग लगाएंगे तो 2 सही 1/2 घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों 2 सही 1/2 घंटा। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। अगर आप पैसे नहीं लगाना चाहते हैं तो मैट्रिक 2 लगा सकते हैं दोस्तों साथी, आपको मैट्रिक 2 भी पता है। तो देखिए दोस्तों आपको मैट्रिक 2 बताते हैं, B1 संबंधी अगर B2 करना है तो B1 का मान आपका 100 और B2 का मान है 60, काट देंगे दोस्तों 20 से 5 संबंधी 3। अब देखिए दोस्तों अगर T1 संबंधी अगर हम T2 निकालते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, 3 संबंधी 5। इन दोनों का डिफरेंट कितना है दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंट आता है आपको 2 यूनिट। 2 यूनिट का मान सवाल के अंदर क्या दिया गया दोस्तों, तो दिया कि इसको घंटे में बदला गया तो 5/3, तो 5/3 घंटा इतना दिया गया। 3 यूनिट का मान निकाल लीजिए तो सही समय निकल जाता है, तो 3 यूनिट = दोस्तों 3 यूनिट का मान निकालेंगे तो 5/3। अब देखिए गुड़े, अब ये जो 3 जो है ये गुड़े में जाएगा और ये नीचे आएगा बट्टे में आ जाएगा, 2/2। अब देखिए दोस्तों 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 5/2, तो भाग लगाएंगे 2 सही 1/2 घंटा। या तो आप सवाल मैट्रिक 1 से लगाइए या तो मैट्रिक 2 से लगाइए, आपको जो बेस्ट तरीका लगता है दोस्तों उसी तरीके से सवाल लगाइए। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, जब एक रेलगाड़ी की चाल 20% बढ़ती है तो वह समान दूरी तय करने में 20 मिनट कम लेती है, उसकी वास्तविक चाल से उसी समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों सवाल पूछा गया CDL 2016 में। अब देखिए दोस्तों आपको बहुत सारे तरीके बता दिए, तो B1 का मान पहले, अब देखिए 20% बढ़ती है तो वास्तविक चाल जो होगी वो 100% होगी, तो 100 × जो समय लगता होगा वो टी लगता होगा। अब चाल 20% बढ़ा दिया गया तो 120 हो जाएगा, अब जल्दी पहुंच जाएगी, 20 मिनट कम समय लेती है इसका मतलब जल्दी पहुंच गई है, इसका मतलब टी जल्दी के लिए माइनस का यूज करते हैं, -20। अब देखिए दोस्तों आप कटा लीजिए 5 से, तो 20 से कटाएंगे तो 20 × 25 = 20। अब इसका गुणा कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों, 5t और इधर गुणा करेंगे तो 6t और -120। अब देखिए दोस्तों ये 5t प्लस है, इक्वल की इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब 6t में से 5t घटा देंगे तो बचेगा क्या दोस्तों, टी। अब देखिए दोस्तों 120 माइनस है इक्वल को इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 120, इसका मतलब टी का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 120 मिनट। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो मैट्रिक 2 लगा लीजिए, ये अब आपको पता है कि B1 का मान 100 है, B2 का मान 120 है, आप बड़े आराम से लगा लेंगे। आप मैट्रिक 1 लगाइए, मैट्रिक 2 लगाइए, आपको जो बेस्ट लगता है उसी तरीके से सवाल को लगाइए। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक ट्रेन अपनी गति में 12.5% की वृद्धि करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट पहले पहुंच जाती है, ट्रेन द्वारा वास्तविक समय जो यात्रा में लिया गया हुआ था। ये 4 ऑप्शन रखा गया दोस्तों और ये सवाल पूछा गया UPPCS 2006 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस तरह के सवाल लगाने के लिए आपको बहुत सारे तरीके बता दिए, जो पहली चाल थी वास्तविक चाल थी वो 100% होगी, 30 समय लेता होगा, बाद में चाल 12.5% बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब 100 में अब ये जोड़ देंगे 112.5% बढ़ गया, अब टाइम 20 मिनट पहले पहुंच जाती है, इसका मतलब टी माइनस 20 कर लेंगे दोस्तों। यहाँ तक आपको दिक्कत या डाउट नहीं होगा दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, एक अंक पे दशमलव, अगर हम दशमलव को गायब करेंगे तो बटे दस करना पड़ेगा। अब ये दशमलव गायब हो गया दोस्तों। अब आप कटा लीजिए दोस्तों, कटाएंगे 25 चौका 100 और इसको कटाएंगे तो 25 चौका 100 और 25 पचे 125 इतना हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको 5 से कटाएंगे तो 2 बार में, इसको कटाएंगे तो 9 बार में। अब नहीं कटेगा दोस्तों साथी, तो गुणा करना है। अब देखिए, 2 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 4 × 2 = 8t हो जाएगा। ये 2 भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, इसका मतलब 8t बराबर, इधर गुणा करेंगे तो 9t और माइनस इसका गुणा कर देंगे तो 180। अब देखिए दोस्तों, ये 8t प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब टी बराबर ये माइनस 180 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 180 मिनट। टी का मान कितना है दोस्तों, 180 मिनट। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों, जब व्यक्ति समय से पहले या देरी पे आधारित प्रश्न होता है, इस टाइप्स के हम सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको लगता है इस टाइप में कोई क्वेश्चन छूटा है तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर सवाल को सेंड करें। उस सवाल को आपको जल्दी से, सब नंबर क्या है, 91, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों साथी, इस नंबर पे आप हमको जरूर वो सवाल भेजें। अगर इस टाइम में कोई भी सवाल छोड़ा गया है या छूट गया है, या आपको लगता है कि ये सवाल हमको नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उस सवाल को ज़रूर सेंड करें। जल्द से जल्द उस सवाल का आपको सलूशन मिल जाएगा और कोशिश करेंगे कि वीडियो के अंदर उसका सलूशन दे दें, आपको आराम से मिल जाएगा। वीडियो के अंदर देंगे तो आप आराम से समझ भी जाएंगे, आपको डाउट या दिक्कत भी नहीं होगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपसे जल्दी अगले पार्ट में मुलाकात होती है। तो थैंक यू दोस्तों।